तो कैसे हो आप सब देख रहे हो टॉप 6 एंटरटेनमेंट और आज है आपकी अदालत यानी आपके ही कुछ सवालों के जवाब दूंगा। इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने कुछ वीडियोस में और कम्युनिटी पोस्ट में दे दी थी, तो आज उन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर किसी का क्वेश्चन अगर मिस हो गया तो उसके लिए पहले ही माफी मांगता हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। मैंने टॉप 6 सब्सक्राइब कर लिया। हाँ कर लिया, डन। सवाल जो आप शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मैंने बॉक्स ऑफिस की वीडियो बनाता हूँ, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मूवीज़ ऑलरेडी चलती रहती हैं तो इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाता, तो आज से बॉक्स ऑफिस की वीडियो थोड़ी सी कम आया करेंगी क्योंकि मैंने एक वेबसाइट अलहदा बना ली है। तो आप उस वेबसाइट पर जाकर हमें जहाँ पर देख सकते हैं कि कितना मूवी किस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस किया है, उस वेबसाइट का लिंक आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चैनल ओपन करें, अबाउट सेक्शन ओपन करें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा था यार आपकी वेबसाइट कहाँ गई मूवीज़ वाली वेबसाइट, तो बता दूँ मूवीज़ वाली वेबसाइट मेरी हो चुकी है ब्लॉक, क्योंकि जब मैं लीड प्रिंट वाला अपलोड करता हूँ तो बहुत ज़्यादा रिप्यूटर व्यूज़ कर देते हैं, तो चैनल मेरी वेबसाइट ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी, तो मैंने वहीं पर अपना प्रोजेक्ट रोक दिया। हालांकि मैंने इतनी मेहनत से वेबसाइट बनाई थी, मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन था, मेरा रिएक्शन भी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं सवालों की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है मोलाजट के सॉन्ग्स, मोलाजट के सॉन्ग जरा प्ले करना हिटर जी। जी हाँ, मोलाजट के सॉन्ग्स अभी तक नहीं आए हैं और ना ही अभी तक आएंगे। ट्रेलर आने वाला है मूवी का अप्रैल में और सॉन्ग मूवी के ट्रेलर के बाद ही आएंगे, यानी आपको सॉन्ग्स अभी देखने को नहीं मिलेंगे, तो सॉन्ग से अभी तक उम्मीद ना रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है असलम जी का, आपकी अर्निंग कितनी होती है प्लीज़ टेल मी। तो मैं क्या बताऊँ, मेरी अर्निंग इतनी ज़्यादा मेरी अर्निंग है कि मैंने थूक लगाने के लिए भी विराट कोहली को रखा हुआ है। नहीं यकीन आ रहा, तो चलिए दिखाएं यार वीडियो इसको। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है, अगला क्वेश्चन है द लेजेंड ऑफ मोलाजट प्रोजेक्ट गाजी और शेरदिल को कितनी स्क्रीन मिलेंगी। तो स्क्रीन्स कंफर्म होती हैं मूवी की रिलीज से एक या दो दिन पहले, उससे पहले मूवी की स्क्रीन्स वगैरह कंफर्म नहीं होती हैं, क्योंकि पहले कन्फर्म हो जाता है मूवी कितनी रिलीज होनी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहता है कि कितनी स्क्रीन इस मूवी को मिलेंगी। दूसरा क्वेश्चन है इन सभी मूवीज़ का बजट कितना है। लेजेंड ऑफ मोलाजट का बजट है 70 करोड़, लेकिन मूवी का बजट चुका है डिक्रीज, क्योंकि मूवी के दो सॉन्ग जो शूट होने थे वो कर दिए गए हैं कैंसिल। इससे मैं आपको अलग एक वीडियो में बताऊंगा पूरी इन्फॉर्मेशन लेजेंड ऑफ मोलाजट की। इस वीडियो में हम सिर्फ Q&A की बात कर रहे हैं, तो इनका बजट अभी तक कंफर्म नहीं है लेजेंड ऑफ मोलाजट के अलावा। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सरकार मैंने आपका नमक खाया है। तू खाद्दा है अन्नी दे बच्चा, मैं 3-4 दिन तो फीका सालन खाई जाना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेजेंड ऑफ मोलाजट चाइना में चाइनीज में डबिंग होगी। नहीं, वो फारसी में डबिंग होगी। तो सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ, वो अभी नहीं डब चाइनीज़ में ही डब होकर रिलीज़ होगी, क्योंकि चाइना में बहुत ही बड़े स्केल पर रिलीज़ की जा रही है, तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज में ही डब्ड की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है नाइस प्लीज़ वीडियो फ्लॉप पाकिस्तानी मूवीज़। तो भाई जान, पाकिस्तान की एक मूवी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फ्लॉप मूवीज़ हैं। इस तरह मैंने 2018 की सभी मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक ही वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सी मूवी फ्लॉप है कौन सी मूवी हिट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कराची से लाहौर 3 ट्रेलर रिलीज डेट। तो अभी तो शूटिंग चल रही है मूवी की, चलिए सब्र कर लें, ट्रेलर अभी जल्दी ही आएगा, लेकिन ट्रेलर के अभी तक आप वेट ना कीजिए, ट्रेलर इस मूवी का अप्रैल से भी बाद में आएगा। अगला क्वेश्चन है Q&A लाइक लाल कबूतर रिलीज डेट प्लीज़। लाल कबूतर मूवी रिलीज़ होने वाली है बहुत जल्द 22 मार्च को। उसका स्क्लैश होगा शेरदिल, प्रोजेक्ट गाजी, तुम ही हो, यानी चार मूवीज आने वाली है 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है हदरन फिर विल यू टेल अबाउट द लेजर मोलाजट मूवी कलेक्शन एवरी डे। तो यार हमने कलेक्शन बताया कौन बताएंगे, क्योंकि जो बड़े चैनल जितने भी हैं ना, वो तो अब चेक कर लेना, पाकिस्तानी मूवीज़ के कलेक्शन भी 100 करोड़ बताते रहते हैं, और एक चैनल ऐसा है जो
इसने परवाज जिन्होंने जुर्मा लड़के के कलेक्शन इतना ज़्यादा बताया था, परवाज जिन्होंने लोड वेडिंग का, कि उसको कोई सोच नहीं है, तो कलेक्शन तो हम ही बताएंगे, तो वो जब मूवी रिलीज़ हो जाए तो पता चल जाएगा कलेक्शन कितना कितना है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मोड़ जाट का थिएटरिकल ट्रेलर कब आएगा। ट्रेलर हमजा अली बासी ने कन्फर्म कर दिया है, तो ट्रेलर आने वाला है अप्रैल में। उससे पहले ट्रेलर से उम्मीद ना रखें, ट्रेलर आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन सिद्धार्थ मल्होत्रा, क्यों यानी भाई मोड़ जाट दुबई में रिलीज़ होगी? तो जी हाँ, इस मूवी के अभी तक जो कंट्री सेलेक्ट किए गए उनकी बात करते हैं। उनमें सेलेक्ट किए गए USA, UK, UAE, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना, ये मुल्क ओवरसीज़ में से कन्फर्म है। तो दुबई मूवी भी कन्फर्म, लेकिन बात यह है इससे पहले दुबई में टिफिन टबल रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन बहुत ही छोटे स्केल पर। टिफिन टबल को सिर्फ एक या दो स्क्रीन ही मिलेंगी, तो लेजर बजट को कोई कन्फर्म नहीं कितनी स्क्रीन मिलेंगी। तो अब आगे जाकर देखेंगे मूवी को कितनी स्क्रीन मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है क्यों नहीं, यहाँ सब मूवी कब यूट्यूब पर अपलोड होगी? मेकर्स को फ़ोन करता हूँ तो मैं पता करके बताता हूँ। तो ये भाई मेकर्स की मर्ज़ी होती है, मेकर जब मूवी को अपलोड करना चाहें, नेटफ्लिक्स वगैरह पर, यहाँ पर नेटफ्लिक्स के अलावा मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म डिजिटल हैं, वो सिर्फ मेकर्स की ही मर्ज़ी चलती है। ऐसे मेरे पास एक नहीं बहुत सारे कमेंट आप प्रोजेक्ट गाजी इंग्लिश में हुई तो नहीं देखूँगा। तो भाई यार वार के अलावा पाकिस्तान की कोई मूवी इंग्लिश में अभी तक नहीं है, ये मूवी पाकिस्तान की उर्दू में ही होगी। और भाई ये बताओ प्रोजेक्ट गाजी और शेरदिल का ट्रेलर कब रिलीज़ होगा? तो शेर प्रोजेक्ट गाजी का ट्रेलर कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन शेरदिल का ट्रेलर आपको मार्च के स्टार्ट में या फरवरी के एंड में देखने को मिलेगा। PSL में किसको सपोर्ट करते हैं? PSL में यार कराची किंग, लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान और कौन सी थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो यार मैं किसी को इतना मतलब सपोर्ट नहीं करता, ना मुझे क्रिकेट इतनी ज़्यादा पसंद है, ना ही मैंने आज तक PSL का कोई मैच भी शायद देखा हो। ये क्या क्वेश्चन है, एटर्जी क्वेश्चन मैंने, अच्छा यही क्वेश्चन है इसका वजह आती हूँ उसका। तो इस क्वेश्चन पर यार एक लाइक तो बनता है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 100 करोड़ बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है सिनेमा 1000-1500 होने चाहिए, 150-200 स्क्रीन पर ये कैसे पॉसिबल है? तो आपको मैं एक आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ, जवानी फिर नहीं यानी 2 सिर्फ 60 स्क्रीन पर रिलीज़ होकर 52 करोड़ का कलेक्शन किया था, सिर्फ 60 स्क्रीन पर। अगर लेजेंड ऑफ मोड़ जाट 150 स्क्रीन पर रिलीज़ होती है तो स्क्रीन जवानी फिर नहीं यानी से डबल से भी ज़्यादा स्क्रीन है, तो कलेक्शन डबल से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता? नहीं QNA का सिंधी मूवी सिनेमा में लगती हैं, पता करता हूँ अभी सिंधी मूवीज़ का। तो अभी तक की रिपोर्ट्स की माने तो सिंधी मूवीज सिनेमा वगैरह में नहीं लगती हैं। हाँ बलोची मूवी एक आ रही है दोदा, वो मूवी अब सिनेमाज में जल्दी हाँ सिंधी मूवीज़ बहुत पहले लगती थी लेकिन अब कोई भी नहीं लगती है इतनी, मतलब कोई है ही नहीं सिनेमा स्क्रीन सिंधी मूवीज़ की, कोई होगी एक दो तो वो इतनी ज़्यादा लगती नहीं है। अगला, आपके सब्सक्राइबर कब शो करोगे? तो यार एयरटेल शो कर दो सब्सक्राइबर, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है। तो यार उनका कहना है कि एक नंबर सेट है, वो नंबर जल्दी आने वाला है, आप ऐसे ही में सपोर्ट करते रहें तो वो नंबर 10 से 15 दिन तक आ जाएगा, तो वो हम तब सब्सक्राइबर शो कर देंगे। अगला, भाई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में क्या कोई सुपर हीरो आएगा? पाकिस्तान इंडस्ट्री में सुपर हीरो, बैटमैन, ब्रूस वेन, हेनरी कैवल, सुपरमैन, हाँ सुपर हीरो मूवीज तो आ रही हैं, बुराक एक है एनिमेशन मूवी बुराक, और दूसरी आने वाली प्रोजेक्ट गाजी लाइव एक्शन मूवी। इससे पहले 3 बहादुर 1, 2, 3 तीन मूवीज़ आ चुकी हैं पाकिस्तान की सुपर हीरो मूवीज़ में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, क्या सच में था हिंदुस्तान का बजट 300 करोड़ है? वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। तो मैंने भी जब मूवी देखी तो मेरा भी यही सेम रिएक्शन था कि यार 300 करोड़ मूवी में कहाँ लगाया गया है। तो भाई 300 करोड़ मूवी का बजट है, क्योंकि मूवी की स्टार कास्ट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो वहाँ भी कुछ खर्चा हुआ है। उसके अलावा मूवी की प्रमोशन ही छोटी की गई, मूवी की प्रमोशन ही बहुत बड़ी की गई है, और इतना ज़्यादा खर्चा सिर्फ प्रमोशन में ही लग गया। और प्लीज़ मेक ऑन वीडियो टॉप मोस्ट व्यूज़ पाकिस्तानी मूवीज़ ऑन YouTube। तो पाकिस्तान की मूवीज़ इसमें वीडियो ज़रूर बनाता, लेकिन पाकिस्तान की मूवीज़ YouTube पर इतनी है ही नहीं, बहुत कम मूवीज़ हैं, और जो हैं वो बहुत छोटे लेवल की, मतलब बड़े लेवल की मूवीज़ 1-2-3 हैं, तो वो इतनी मूवीज़ नहीं है, तो मैं उन पर वीडियो बनती भी नहीं है। अगला, भाई तुम ही हो पाक की कास्ट में बताओ। तो कास्ट में दानिश तैमूर और साथ में कुरतुल ऐन, ये दो मूवी के मेन लीड में हैं। मूवी 2017 के एंड में रिलीज होनी थी, लेकिन मूवी इतनी बोल्ड थी कि मूवी को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी ही नहीं मिल रही थी। आपको रॉन्ग नंबर 2 का बजट बताना चाहिए था, मैं वही मूवी देखूंगा, मैं ज़रूर बताता उस पर, मैंने वीडियो भी अलग बनाई है, लेकिन बजट अभी तक कन्फर्म नहीं है। वो मूवी का ना ट्रेलर आया और ना ही अभी तक इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, तो ट्रेलर अभी तक कन्फर्म ही नहीं है बजट है कितना उस मूवी का। ज़रार कब आएगी? तो ज़रार 14 अगस्त या फिर मूवी आपको देखने को मिलेगी ईद उल अजहा पर, लेकिन बहुत से चांस है मूवी 14 अगस्त को ही रिलीज़ होगी। तो यार यहीं तक का एक हमारा Q&A, अगर किसी क्वेश्चन मिस हो गया तो उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगता हूँ।
तो साथ में मैं उन्हें आपको 2019 के कुछ प्लान के बारे में बताना है कि यहाँ हम थोड़ा सा इंटरटेनिंग चैनल भी आपको साथ साथ देंगे। यानी आज की वीडियो आपने देखी होगी थोड़ी सी इंटरटेनिंग है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हर वीडियो को थोड़ा थोड़ा इंटरटेन करने की। और हम ईद उल फितर के करीब बहुत से ज़्यादा हम फिल्मी एनिमेशन तो करते ही रहेंगे फिल्म वगैरह के न्यूज़ के बारे में, लेकिन हम कुछ इंटरटेनमेंट पर्पज़ की तरफ भी जाएंगे। जैसे हम किसी एक्टर वगैरह के रिव्यू वगैरह मतलब एक्टर वगैरह के इंटरव्यू भी करेंगे, और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी ऐसा काम भी करें। और अगर आपको हमारा चैनल ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि हम अगली वीडियो बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर पाएँ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।